ने चार्जेस जो हलवाई बना रहे हैं उनका निकाल लिया, बाकी जो सबके सहयोग से सब कुछ होगा तो उसको देखते हुए और कोशिश करेंगे इसको बहुत बड़े पैमाने तक ले जाने की, जैसी फिर सफलता मिली लोगों की दुआएं सब उस हिसाब से किया जाएगा। सर्वधर्म भोजन समूह न सिर्फ यहाँ लोगों की भूख मिटा रही है बल्कि अपनी संस्था के जरिए समाज में भाईचारे की नई मिसाल भी पेश कर रही है। इस संस्था में हर धर्म के लोग जुड़े हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के जंगलों का एक खुआई गांव अपनी कलाओं के लिए मशहूर रहा है। यहां के लोग कलाकृतियों के जरिए ही खुद का जीवन यापन करते रहे हैं, लेकिन मार्बल्स और दूसरी चीजों की तरफ लोगों के रुझान ने यहां की मिट्टी की कलाकृतियों को बेकार सा बना दिया, लेकिन अब इसमें नई ऊर्जा भरने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से यहाँ पे काम होता है, साथ ही साथ यहाँ जो लोग रहते हैं, जो गांववासी हैं, उनकी भी एक इनकम में बढ़ोतरी हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। शांति निकेतन से आए कुछ कलाकारों ने अब इस गांव की कला को चमकाने का काम शुरू किया है। बाहर के कलाकार न सिर्फ गांव वालों को नई कला की जानकारी दे रहे हैं बल्कि उनके आर्थिक पहलू का भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गांव वालों की जिंदगी बेहतर हो सके। वो लोग जो करते जा रहा है उसके साथ कुछ नया इसके साथ बिल्ड करना है, तब ये लोग आगे जाएगा, ये सोच के हम लोग ये प्लानिंग करके ये काम करते हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा के इस 5 साल के बच्चे का नाम माधव मंत्री है, लेकिन इसकी उम्र और कद पर आप मत जाइए क्योंकि इसके हुनर के सामने बड़े बड़े भी मात खा जाए। 2.5 साल की उम्र में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला माधव आज भगवत पुराण के उन संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करता है जिसे पढ़े लिखे लोग भी ना कर सके। स्कूल जाता था तो मेरी मम्मी सुबह ही मुझे लाइन याद कराती थी, तो मुझे लर्न हो गया। माधव ने 3 मिनट में बिना किसी गलती के शिव तांडव का पाठ किया जिसकी वजह से इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुझे एक एम मिल गया कि मुझे इसको इस चीज के अंदर, स्पिरिचुअल चीजों के अंदर इसको आगे कुछ न कुछ सिखाना है, और ये उस चीजों को आगे इसने कैच करता रहा और सीखता रहा। उदयपुर के इमरान मुल्तानी अभी इंजीनियर बने नहीं है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ करने की चाहत ने उन्हें सबसे अलग बना दिया है। इमरान ने एक फैन वेंडिंग मशीन बनाई है जो न सिर्फ कई खूबियों से लैस है बल्कि बाजार में मिलने वाली मशीन से करीब 500 गुना सस्ती है। मैंने जो फैन वाइनिंग बनी है उसमें वाइनिंग से 45 से 1 घंटे में हो जाती है, जिससे इस वर्क से जुड़े हुए लोगों को अच्छी खासा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि कम समय में और कम लागत में आसानी से फैन वाइनिंग कर सकते हैं। पुराने और खराब हो चुके जिस सामान को लोग कबाड़ में फेंक देते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर इमरान ने महज 300 रुपए में ऐसी मशीन बना दी जिसकी कीमत बाजार में 14,000 से भी अधिक है। इमरान अब इस मशीन से उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पैसों की कमी की वजह से ऐसी मशीन नहीं खरीद पा रहे थे।